न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं शिक्षा जगत की ओर। एकलव्य एजुकेशन सोसाइटी का प्रयास, अशनगर 9 ब्लॉक के एमसीडी स्कूल में छात्रों की संख्या हुई दोगुनी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाला सुभाष नगर 9 ब्लॉक का एमसीडी स्कूल अपने जोन व क्षेत्र में खास पहचान रखता है। यह स्कूल अन्य स्कूलों के मुकाबले नित नए सफलता के आयाम छू रहा है। यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो किसी प्राइवेट स्कूल की शिक्षा से किसी भी स्तर पर कम नहीं है। गौरतलब है कि 3 से 4 वर्ष पहले तक इस स्कूल में केवल गिने चुने बच्चे ही आते थे, लेकिन बीते वर्ष यहाँ आने वाले छात्रों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इस बार यह संख्या बढ़कर करीब 400 के आसपास हो गई है। जी, पिछले साल से ज्यादा, बहुत ज्यादा है। पिछले साल हमारे पास 18 बच्चे थे थ्री प्लस के, और इस साल 44 बच्चे मेरे पास थे। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन बच्चों के मुकाबले आपके पास कंप्लीट है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक दरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम। फर्नीचर नहीं है कोई भी, मैट अगर मैट ही रखना है तो वो कलरफुल भी नहीं है। बच्चे जो है ना नीचे ही बैठे रहते हैं। पेरेंट्स कई बार ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि मैट तो कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो आपका इतनी स्ट्रेंथ हुई है, क्या कुछ रीज़न रहा, क्या कुछ आपका नाम है ब्लॉक में, जोन में आपके स्कूल का? जी, तो ये तो फर्क है ही कुछ हमारे भी एफर्ट्स, क्योंकि इनको संभालने की ट्रेनिंग हम लोग करके आए हैं, तो कुछ हमारे भी एफर्ट्स हैं। कुछ ये मैडम जी कर रहे हैं सर हम तो, कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे हमें, और एनजीओ से भी हम यही उम्मीद करते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी हेल्प करें, ताकि पेरेंट्स का विश्वास बना रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो पेरेंट्स भाग रहे हैं, वो वापस जो है ना सरकारी स्कूलों में अपना विश्वास दिखाए, और सब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा तो हम बेटर इनको एजुकेशन देंगे। जी मैम, आपके पास बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस लोकेलिटी के बच्चे? हमारे पास प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं, और एक तो बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है किर्सी, वहाँ से भी एक बच्चा हमारे पास आया है। इतना जो ना पेरेंट्स ने भरोसा दिखाया है हमारे ऊपर, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ करें, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। आप सुभाष नगर 9 ब्लॉक के स्कूल में एज ए टीचर एलकेजी में पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल में पहले स्ट्रेंथ कम था, लेकिन अब स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होता जा रहा है, हर साल बच्चा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ी और सुविधाएं अगर इस स्कूल में आ जाएं तो हम लोगों को पढ़ाने में और बच्चों को सीखने में ज़्यादा इजी होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाएंगे। पेरेंट्स भी आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, दूसरे स्कूल के मुकाबले इस स्कूल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन क्या है, कुछ सुविधाएँ हमें जहाँ पर आके रुक जाते हैं तो हमें क्या वो पूरी नहीं हो पाती हैं, बच्चों को बैठने के लिए, पीने के पानी के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि बहुत दिक्कत देती है। अगर वो पूरी कर दी जाए तो हम लोग बच्चों को जो पब्लिक स्कूल में फैसिलिटी, जितना पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे भी अच्छा हम लोग यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छा सीखने के मिल रहा है। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पब्लिक स्कूल से निकाल के इस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया बच्चों का, तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिला है, इम्प्रूवमेंट दिखा टीचर्स ने कि टीचर्स इतनी इनोवेटिव है कि बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें। तो अगर थोड़ी सी हमारे लिए हेल्प की जाए, गवर्नमेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपने ऑफिसर से भी, अपने प्रिंसिपल से भी, कि थोड़ा सा और जो एनजीओ एक्टिवे है हमारे स्कूल में जो इतने दिन से काम कर रहा है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, वो हमारे साथ हेल्प कर रहा है, एक तरह से हमारा को हैंड बन के हमारे साथ खड़ा है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत सुविधाएँ हमारे को कम है, थोड़ी हमारे लिए हेल्प करें, हमारे ऑफिसर्स दें, कुछ वो लोग करें, कुछ गवर्नमेंट करें, कुछ एनजीओ करें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर। मेरा नाम सीमा, मेरे बेटे का नाम प्रतीक, नर्सरी में पढ़ता हूँ, यहाँ सही लगता पढ़वा, इसीलिए तो यहाँ ना मिल पाए। पहले किसी और में पढ़ता था स्कूल में, वो भी सरकारी सरकार, इसकी एजुकेशन ज़्यादा ही है, तो जब से यहाँ ना लिखवाई तब से कुछ थोड़ा बहुत तो आने ही लगा उसको। क्या कुछ नया सीखा उसने पिछले? जैसे पोएम वगैरह और गिनती वगैरह सारी पढ़ना सीख गया है। कैसे ही पढ़ाई लिखाई में? अच्छी है। क्या बोला भी नहीं आया था, आपको बोला भी सीख गई, पढ़ा भी नहीं आया था, पढ़ना भी से आ गया, हर बार गिनती वगैरह सब कुछ आई, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और क्या कुछ नया सीखती है, क्या नया बताती है आपको? सीखे कि उसे बोलना नहीं आता था, बोलना सीख गई, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीख गई,
था, इसके लिए सही नहीं था, अब तो बहुत बुरा हो गया। पहले नर्सरी में पढ़ता था, उसको कुछ भी नहीं आता था। मेरा पाँचवीं में है बड़ा वाला, और बीच वाला बेटा तीसरी क्लास में है और एक फर्स्ट में है। तीन बेटे हैं सर। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, अब तो सर बहुत कुछ आ गया। स्कूल पर बहुत ही कुछ बदलाव हो गया पहले से। तो क्या कुछ नया देखने को सीखने में बात करते हैं, घर पर भी जाकर पहले तो यहाँ से जाते थे, बैग लेते थे, मम्मी खाना दो बदतमीजी से बोलते थे, अब तो मम्मा जी पापा जी इंग्लिश में ही बात करते हैं। हमें भी नहीं सर अब तो उनका लगाते थे, यहाँ पे सारे स्कूलों में कहीं भी होता था उनका लगाते थे। हम यहाँ से जा कहने लगे मम्मा बेटा बड़ा वाला पाँच मिला, तो कहते हैं मम्मा आप साइन करा कर हमारी बेइज्जती होती है स्कूल में कि आप उनका लगाते हो। इन्हीं बेटों ने मेरे को सर नाम लिखना सिखाया, इसी की वजह से आज मैं देख लूँ सारे मेरी तारीफ करते हैं कि मम्मा आप नाम लिखते हो। सर इन लोगों के आने से, मैम के आने से ना हमारे बच्चों में सर बहुत ही बदलाव हो गया, और हम चाहते हैं स्कूल में ऐसे ही स्कूल रहे, इसलिए हम चाहते हैं सर स्कूल अच्छे ही रहे, जैसे अभी अच्छा है वैसे ही रहे अच्छा। हमारा नाम सुमन देवी है, हमारे दो एक पोती एक पोता भी है, एक दूसरी क्लास में है और बच्चा है जो छोटी है वो पहली क्लास में है, और वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हमें सुविधाएँ बहुत अच्छी मिली है, नौ सुभाष नगर नौ ब्लॉक में है स्कूल में, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छे हैं। तो आपके बच्चे इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे। तो प्राइवेट से निकाल के यहाँ क्यों लाए? हम प्राइवेट से निकाल के हम सरकारी में डाले, क्योंकि हम वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगता था, हम मेरे चल नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ाई हमें वहाँ मिलती थी वही पढ़ाई यहाँ भी मिलती है, प्राइवेट से भी अच्छा यहाँ भी मिलता है। हाँ जो भी चाहिए, मेरा नाम भी गाँव में जाता था, ज़्यादा नहीं है इसको गाँव का, इसलिए यहाँ बुलाया। और बोले यहाँ तो बहुत कुछ आ गया, मम्मी पापा का नाम लिख के दिया गया, और बहुत यहाँ आ गया, तीसरा महीना हो गया, बहुत कुछ। सर मेरा नाम है रितु, पहले मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, अब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सुभाष नगर नौ ब्लॉक में पढ़ते हैं, प्राइवेट से अब यहाँ पे अच्छे पढ़ते हैं, अब सही है। मेरा नाम चंदा है, मेरा लड़का नर्सरी क्लास में पढ़ता है, मेरी नाम है पढ़ाई अच्छा कर रहा है। कुमार मेरे लड़का का नाम है, और मैं पापा बोल रहा हूँ मनीष कुमार, और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा नर्सरी क्लास में, और मैं पढ़ाई से बहुत खुश हूँ। पढ़ाई ठीक है, मैं भी टेस्ट करता हूँ कमरे में ठीक है, अभी शिकायत नहीं, इसी तरह चल रहा है। सुभाष नगर ब्लॉक का स्कूल आज बड़े सुर्खियों में रहता है, क्या रीज़न है इसके पीछे और क्या कुछ इस बार बदला? पिछली बार भी आपके पास, आपके एन जी ओ ने जो अडॉप्ट किया स्कूल को पिछले साल से, और इस साल भी आपके पास है, तो क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं और क्या कुछ आप स्कूलों से हट के इसलिए है? पिछले एक साल 1 अप्रैल 2017 को एक क्लब ने इस स्कूल को अडॉप्ट किया था, सुभाष नगर नौ ब्लॉक को। हम पिछले एक साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में हमने 100-110 भी बच्चे पढ़ाए थे, लेकिन आज की डेट में हमारे को लास्ट 1 ईयर से जस्ट 7 बच्चे हो गए। पेरेंट्स का कहना यही है कि जो प्राइवेट स्कूल में उनको चीज़ें नहीं मिल रही, पढ़ाई तो मिल रही पर वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बच्चे, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं घर पे जाके उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नीम की पत्तियाँ डाल के नीम वाले पानी से नहाना चाहिए, और पेरेंट्स वो चीज़ें कर रहे हैं। और पहले ये आलम था कि पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स स्कूल में आना पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कुछ नहीं होना, वहाँ जाना है टीचर्स से दो बातें करनी और हो जाएगा। आज की डेट में ये है कि 250-250 बच्चा पेरेंट्स आ जाते हैं पीटीएम में, हमारे पास जगह नहीं होती है पेरेंट्स को पीटीएम में बिठाने के, तो हम उन्हें सेपरेट सेपरेट लेकर बैठते हैं। अब बच्चे स्कूल में इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास रूम भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, टीचर्स उनको अलग अलग लॉट में लेकर बैठती हैं बिना ब्लैक बोर्ड के, उनको कैसे भी करके कॉपी में जो भी वर्क कराती हैं वो कराती है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, और आसपास के जो भी प्राइवेट स्कूल हैं अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स ने बच्चों को निकाल कर यहाँ पर डाला है। ये मायापुरी प्रेस कॉलोनी का स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ से हमारे 50-60 पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने एडमिशन कराया और ख़ुद अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज कराए, अपनी वैन लगवाई है, वैन के पैसे पे करते हैं पेरेंट्स, और पे करने के बाद यहाँ पे स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। उनके आस पास में होते वहाँ पर मायापुरी में आपके घर के पास स्कूल है, पर वहाँ पे ना डाल के वो इन्होंने यहाँ पे भेजा, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ इन्हें काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। इन्हें लगता है कि टीचर्स जो है उनको
उनके बच्चों को पेरेंटली ट्रीट करती है, छुट्टी पे डेट तक उनको हैंड ओवर पेरेंट्स के करने जाती है, ये पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में बच्चे जैसे ही आते हैं वो टीचर की टेक केयर में आ जाते हैं, पूरे टाइम बच्चे टीचर की नज़र में रहते हैं। और जो उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आया बच्चों में, हाइजीन को लेकर आया है, उनके वैल्यूज़ को लेकर आया, जो पेरेंट्स भी आके हमारे बच्चों को बताते रहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ाई के मामले में। ऐसा क्या जादू है एकलव्य के सिस्टम में कि जो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? हम बेसिकली बच्चों की समझ पे काम करते हैं, बच्चों के वैल्यूज़ पे काम करते हैं। अब जैसे बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं बोलते हैं कि भाई ये वीक है ये नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा कमज़ोर पैदा नहीं होता, बच्चे सारे ही अपनी बुद्धि और अपना दिमाग लेकर पैदा होते हैं, केवल ज़रूरत होती है उसको मोटिवेट करने की, उसको फैसिलिटेट करने की। तो हम बच्चों के समझ पे काम करते हैं, बच्चों के वैल्यूज़ पे काम करते हैं, बच्चा अपने आप दौड़ता हुआ चला जाता है। हम कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं, PPMS भी एवरी थर्सडे करते हैं, पेरेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं, जो हम अपने आप को और निखार सकें और सुधार सकें। तो पेरेंट्स हमें बताते हैं, उनको कोई कमियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश बराबर करते हैं कि उनके बच्चों में बराबर बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना सा जादू करते हैं। और पेरेंट्स सारे खींचे, पिछले साल स्पोर्ट्स में हमें काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मिली, वेस्ट जोन में नंबर वन पे ये स्कूल आया, और इस स्कूल ने पहली बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और पहली बार में इसको 25 गोल्ड मेडल मिला, एक सबसे पहली और बड़ी अचीवमेंट हमको ये मिली थी। और बच्चे काबिल थे, बच्चों में काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, हमने बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उनको निखारा और बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। सिर्फ ये बात करने के लिए नहीं कि आपके बच्चे ने ये नहीं किया वो नहीं किया, हमने PTM को शिकायत मुक्त दिवस बना दिया, नो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। हम आते हैं, आइए पेरेंट्स मीटिंग में, हमने क्या किया, आइए हम बच्चों की आप पांच अच्छी बात बताओ, पांच अच्छी हम बात बताते हैं। हमने बताया पेरेंट्स को कि बच्चों को मार के नहीं, उनको विश्वास दिला के पढ़ाया जा सकता है, उनको जिस चीज़ का अगर बच्चे को नहीं पता कि इसमें उसका क्या फ़ायदा होना है, एक बार उसको फ़ायदा बता दो वो चीज़ उसको पकड़ लेगा और वो तुरंत सीख जाएगा। तो PTM में हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आएँ और हम उन पेरेंट्स को भी विश्वास दिलाएं कि वो जिस विश्वास के साथ हमारे को यहाँ पे बच्चा भेज रहे हैं स्कूल में, तो वो हम उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, ये और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे, या जो वो सोच कर भेज रहे हैं उनको वो चीज़ें बच्चों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो पेरेंट्स यहाँ आके हमारे से शेयर करते हैं और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी, हम कम्युनिटी में भी जाते हैं, बच्चों के जो आसपास जो बच्चे चेंज करते हैं, प्लांट लगाते हैं या सफाइयाँ करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके उसको चेक करते हैं और वहाँ पे मिलता है। तो बच्चों के अगल बगल पड़ोसी भी हमें बताते हैं कि नहीं, बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं जिससे उनके आसपास के माहौल में भी बदलाव आ रहा है, उनको भी लग रहा है कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश यही है और बच्चों में भी हम विश्वास दिलाते रहते हैं बराबर कि आप कर सकते हो, आप काबिल हो, कोई भी कमज़ोर नहीं है, कोई भी कमज़ोर या कम दिमाग पैदा नहीं होता, सब एक ही दिमाग से ही पैदा होते हैं। तो टीचर्स में और हमारे क्लब के एनजीओ को बस हमें यही रहता है कि हम इनमें विश्वास दिला सकें, पेरेंट्स को भी और बच्चों। मोनिका मैम, सुभाष नगर का स्कूल एक सुर्खियों में रहता है, जोन में भी और सोसाइटी में भी, एजुकेशन सेक्टर में आज नाम कमाया है, जरा बताएंगे? हाँ जी, हमारे स्कूल में इस साल बच्चों की काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं, नर्सरी से लेके 5th तक, और अभी भी हमारे पास एडमिशन्स आ रहे हैं। एक तो लास्ट ईयर हमने गेम्स में बहुत अवार्ड्स जीते थे, साइंस फेयर में अवार्ड्स जीते थे, और बच्चों के साथ बहुत मेहनत की थी, यहाँ पे जापनीज वगैरह भी करवाई जाती है, तो उससे ना आसपास के लोग काफ़ी खुश हुए। जब वन ईयर उन्होंने हमारे स्कूल की अच्छी प्रोग्रेस देखी तो फिर कुछ ने वॉलंटियरली आके अपने स्कूल में एडमिशन करवाया, पहले जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ से करवाया। सेकेंडली NGO में जितनी टीचर्स हैं, मार्च में जब हमारी टीचर्स एग्ज़ाम वगैरह ले रहे थे, हम रिज़ल्ट बना रहे थे, तो फिर सब NGO के टीचर्स ने सर्वे किया, वो मायापुरी साइट पर गए, वहाँ से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि हमारे स्कूल में आए और एडमिशन लें। पहले हमने कभी मायापुरी एरिया में फोकस एक्चुअली इसलिए नहीं किया था क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि विद इन 1 किलोमीटर रेडियस प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और सीनियर स्कूल विद इन 3 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, पर ठीक है, एक स्टेप था, एक हमने कोशिश की, उन्होंने वहाँ जाके मायापुरी में पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो हमारे पास वहाँ के काफ़ी बच्चे आए हैं, उनकी पैंडे एक्चुअली उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है, मेरे एक बाई मुझे इंटरनेशनल स्कूल,
और बदलाव तो डेफिनेटली है, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी बच्चों में ज़्यादा हो गई है, वो रेगुलरली जो मेन वर्ड्स यूज करने होते हैं वॉशरूम जाने के लिए, कॉपी सबमिट करने के लिए, चेकिंग करके कॉपी वापस लेने के लिए, वो इंग्लिश में होते हैं बच्चे। और जापनीज़ तो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हुई है, एक्यूप्रेशर वगैरह सिखाया गया है बच्चों को, योगा की क्लासेस भी होती हैं, योगा हम पहले भी करते थे, तो मेन इंक्लिनेशन थोड़ा जापनीज़ की तरफ ज़्यादा है, तो इससे पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे खुश करते हैं, सारे फंक्शंस हम सेलिब्रेट करते हैं, आ गए अभी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो जो भी चीज़ हम करते हैं बड़े ज़ोर शोर से करते हैं ताकि बच्चे अच्छी एक एक चीज़ को एंजॉय करके करें और पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करके करते हैं, पेरेंट्स हमारी हेल्प भी करते हैं और वो जब देखते हैं उनके बच्चे यहाँ खुश हैं सीख रहे हैं तो वो डेफिनेटली आगे कम्युनिटी में बात स्प्रेड होती है। हमारे स्कूल में मैंने सबसे सुना है कि जैसे ही एंट्री करो तो लगता ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है, हमने उसको बहुत मेंटेन करके रखा हुआ, तो इसलिए पेरेंट्स को हैप्पी कि प्रेजेंटेबल, सबसे पहले हम आदमी को देखते हैं या स्कूल को देखते हैं, किसी भी जगह को देखते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, तो पहला इंप्रेशन तो हमारे स्कूल का वहीं पर जाता है कि हमारा स्कूल बहुत सुंदर है, कलरफुल बना हुआ है, ग्रीनरी बहुत है, जिससे आपको पता होगा कि हमें बेस्ट ग्रीन स्कूल का अवार्ड भी मिला था लाइफ साइंस में, तो हम इससे बहुत ध्यान रखते हैं कोई भी चीज़ टूटी फूटी ना हो, किसी भी एंगल से हमारा स्कूल एक पुराने तरह का गवर्नमेंट स्कूल नहीं लगता, बिल्कुल नया हो गया है, रिनाम हो गया है, तो पेरेंट्स वहीं से खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम प्राइवेट स्कूल को क्यों एक्स्ट्रा फीस दें, जब यहाँ पे हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी बैठ जाएंगे, तो उनकी चॉइस थी, तो उन्होंने एडमिशन कराया हमारे लिए।